9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 3 2 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3. अभी आपने जो वॉइस सुनी वो एन वलर मदी की थी, जो कि इसरो के साइंटिस्ट थी। अनफॉर्चुनेटली अब ये हमारे बीच नहीं है, तो आज हम इनके विषय में बात करेंगे। डॉटर ऑफ सॉइल मेक्स अरियलूर प्राउड। इनका पूरा नाम एन वलर मदी है। इनका जन्म 31 जुलाई 1959 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 2023 को चेन्नई शहर में हुई है। इनकी शिक्षा जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से हुई है। इनको 2015 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया था। इनका जो साइंटिफिक फील्ड था वो फिजिक्स था और इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। वलर मदी वॉज बॉर्न इन अरियालूर तमिलनाडु एंड अटेंडेड निर्मला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। She graduated with a bachelor degree in engineering from the Government College of Technology. Bachelor की degree उन्होंने Government College of Technology Coimbatore से ली थी और bachelor इन्होंने engineering से की थी। Master degree in electronic and communication from Anna University. Master degree इन्होंने Anna University से की थी और इसमें इनका subject था electronic and communication. N. Valar Madi is an Indian scientist and project director of RISAT-1, India's first indigenously developed radar imaging satellite. ये radar imaging satellite किस project director रह चुकी थी। She was the first person to receive the Abdul Kalam Award instituted in 2015 by the government of Tamil Nadu in honor of former president Abdul Kalam. ये पहली female scientist थी जिनको Abdul Kalam Award दिया गया इनके field में इनके dedication से work के लिए। In 1984, Valar Madi began working at the Indian Space Research Organization and has been involved in many of its important missions, as for example Indian Region Soil Images Database, Indian Remote Sensing, Indian National Satellite System and Technology Experiment Satellite. She became the project director of Indian first indigenously developed radar imaging satellite RISAT-1, which was launched successfully in 2012. ये RISAT की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी जिसको कि सक्सेसफुली 2012 में लॉन्च किया गया था। रिनाउंड इसरो साइंटिस्ट एन वलर मदी नोन फॉर हर कमांडिंग प्रेजेंस ड्यूरिंग वेरियस इसरो मिशन लॉन्चेस इंक्लूडिंग द चंद्रयान 3 लॉन्च। आप सभी जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की है और भारत वह पहला देश है जिसने अपने यान को मून के उस भाग पे साउथ पोल पर अपना चंद्रयान लैंड किया है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो उसकी बैक काउंटिंग वलर मदी कर रही थी। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी आवाज़ हमेशा इसरो और पूरी देश को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहेंगी। वलर मदी अ डिस्टिंग्विश्ड इसरो साइंटिस्ट रिनाउंड फॉर हर रोल एज द वॉइस बिहाइंड रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन इन श्रीहरिकोटा। जितने भी लॉन्चेस हुए हैं श्रीहरिकोटा से, मोस्टली उसमें वलर मदी ही बैक काउंटिंग करती थी। According to ISRO Pro, Valar Madi was a valued member of a range operations program office at the Satish Dhawan Space Center, where she held the responsibility of announcing countdowns for all launches. Chief Minister Jayalalitha presented the first APJ Abdul Kalam Award to Indian Space Research Organization scientist N. Valar Madi
who led the team that successfully launches radar imaging satellite 1 in 2012. इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर जयललिता ने इनको पहला एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड इनको दिया था, इनके योगदान के लिए, इनके डेडिकेशन के लिए, इनके हार्डवर्क के लिए. For the last 1 year, Anne Varambati used to have only 4 to 5 hours for herself in a day and kept monitoring various aspects of satellite. पिछले एक साल से वो प्रोजेक्ट के लिए वेरियस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग कर रही थी और ये इनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को शो करता है. Varambati की आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी, भले ही वो फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, और हमेशा हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी.